ग्वालियर में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने भू अधिकार पत्र वितरण और 777 करोड़ के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति का सम्मेलन सम्पन्न हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि हमने बहनों की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। आज हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति का यहाँ सम्मेलन संपन्न हो रहा है। संख्या भी प्रबल है और गर्मी भी भीषण है, लेकिन बहनों की उत्साहजनक उपस्थिति यह प्रधानमंत्री जी की नेक नियति के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है और इसलिए इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक जमाना था जब यह राज्य बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था। शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यभार संभाला तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी, क्षेत्र का विकास करना, आम आदमी का विकास करना, बहनों का सशक्तिकरण करना, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाना, रोजगार के अवसर सृजित करना, जन कल्याण के काम करना, विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाना। लेकिन मैं बहुत इस अवसर पर यह गौरव के साथ कह सकता हूँ कि शिवराज जी ने अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमता और बुद्धिमत्ता के आधार पर इन चुनौतियों से न सिर्फ मुकाबला किया, इन चुनौतियों पर उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। इसके लिए मैं शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब मध्य प्रदेश लिंगा अनुपात की दृष्टि से भी अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता था। भ्रूण हत्या का सिलसिला जोरों पर चल रहा था। तब देश में सबसे पहली बार शिवराज सिंह जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तब उनके जहन से लाडली लक्ष्मी योजना बनी और लाडली लक्ष्मी योजना ने भ्रूण हत्या को रोकने में भी सफलता प्राप्त की, लिंगा अनुपात को भी संतुलित करने का एक सफलतम प्रयत्न किया। बेटी बोझ न बने, बेटी के विवाह के लिए परिवार को तकलीफ न हो, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाय योजना जैसी योजनाएं बनाई, जिनको बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक तौर से बंद करने का भी प्रयास किया और इस योजना का भी लाभ इस देश में लाखों लाख हमारी बहनों को मिला। 2003 से लेकर 23 तक आज जमीन और आसमान का जितना अंतर है उतना अंतर विकास में आया है। जब जब शिवराज सिंह जी का ग्वालियर में पदार्पण हुआ है तो सैकड़ों करोड़ के विकास के काम का भूमि पूजन और शिलान्यास उनके द्वारा हुआ है। आज भी ग्वालियर को उनके माध्यम से सौगातें मिली है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। तो ग्वालियर मेरे भाई और बहनों बदल रहा है। आज जलन कांग्रेस को हो रही है, बाहर से पंछी आएंगे क्योंकि चुनावी माहौल है, पूरे देश से नेता इधर आएंगे, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, ये याद रखना कि अगर सच्ची सेवक ग्वालियर के विकास और ग्वालियर की प्रगति की हमारी एक लीला और एक संकल्प है तो वो सेवक आपको इस मंच पर मिलेंगे और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि ग्वालियर को दोबारा इस संभाग ग्वालियर चंबल संभाग को दोबारा विकास और प्रगति के मानचित्र में देश के मानचित्र पे स्थापित करके ही हम चैन का सांस लेंगे। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं जहां ग्वालियर की नाम विश्व पटल पर उजागर होगी। ग्वालियर यानी विकास, ग्वालियर यानी इतिहास और ग्वालियर यानी खास। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं इकट्ठी हुई है, इतनी भीषण गर्मी में हजारों की तादाद में मेरी बहनें बैठी है, ये बहनों की ताकत का जागरण है। मेरी बहनों आज भाषण देने नहीं आया,
आज आपकी जिंदगी बदलने का संदेश देने आया हूँ। मेरी बहनों, केवल यही नहीं रुकूंगा, मैं आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लिया है। संकल्प है हमारी बहनें गरीब नहीं रहेंगी, मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। और इसलिए बहनों, आज आपसे ये कहने आया हूं, एक लाडली बहना सेना और लाडली बहना परिवार हर गांव में बनेगा, जो बहनों की योजनाओं को ढंग से नीचे ले जाएगा। अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना, मामा तो है क्या, अच्छे पढ़ेंगे तो 12वीं में मामा लैपटॉप देगा। जो बेटियां अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई इस साल 12वीं में, उन बेटी और बेटा को मैं स्कूटी देने वाला हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम